करेक्ट माना जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना कौन सी डेट से कब तक की डेट के लिए वहाँ पे डेटा इंटर वैलिड होगा, बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो समझेगा, वरना उसको पता कैसे चलेगा किस डेट से के बीच में डेटा इंटर करना है, वरना वो कोई भी डेटा इंटर करेगा सब वैलिड हो जाएगा, राइट है। अगर यहीं पर हमने एंट्री कर दी होती डेटा 0507 और ईयर कौन सा ले लिया होता 2001, कौन सा लिया होता 2001 ले लिया होता, तो ये डेटा इनवैलिड हो जाता, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसका बताना पड़ेगा स्टार्ट डेट कौन सी और इन डेट कौन सी है, एक सेट करना पड़ेगा क्राइटेरिया, ओके। तो जैसे हमने क्राइटेरिया सेट किया उसके बाद क्या होगा, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जैसे हमने क्राइटेरिया वो सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो क्या है, शॉर्ट अ शीट, शॉर्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट का मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब अरेंजमेंट होता है, क्या होता है अरेंजमेंट। एक शीट को अगर अरेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी शर्ट ऑर्डर मिला है, क्या मिला है टी शर्ट ऑर्डर, उसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे, किस में अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। और जो लास्ट कॉलम होगा उसका हमने कॉलम क्या है, किसको अरेंज कर रहे हैं, कॉलम सी को अरेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू सेलेक्ट अ सेल, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक टी शर्ट्स का ऑर्डर है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट द सेल इन कॉलम यू वांट टू शॉर्ट, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत से कॉलम्स हैं ए बी सी डी ई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट कि यहाँ किस कॉलम में आपको क्या करना है, आपको शॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है, सी, सी कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, एग्जाम्पल हमने सी किया। उसके बाद क्या करेंगे, देन मूविंग एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ, सेलेक्ट द डेटा टैब ऑन द रिटर्न रिबन, रिबन पे जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, रिबन पे जाएंगे, और जब रिबन पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा किसका, डेटा टैब का, किसका आया होगा, डेटा टैब का, एंड देन क्लिक ए टू जेड कमांड, क्या होगा उसी में ऑप्शन होगा ए टू जेड कमांड टू शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए कमांड टू शॉर्ट जेड टू ए, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ए टू जेड जाना चाह रहे हैं कि जेड टू ए जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि अल्फाबेटिकल ए पहले आए, बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, ऐसा हो, या फिर आप चाह रहे हो कि सबसे पहले जेड आए, फिर वाई आए, फिर एक्स आए, ये चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो क्या आप कैसा चाह रहे हो, ए बी सी डी से स्टार्ट करना चाह रहे हो कि जेड एक्स वाई से स्टार्ट करना चाह रहे हो, मतलब जो इस जेड टू ए वाले शॉर्टिंग में क्या होगा, जिसका नाम जेड से आएगा वो टॉप पे आएगा, उसके बाद वाई वाले का आएगा, उसके बाद एक्स वाले का आएगा, और यहीं पर अगर आप ए टू जेड करते हैं तो जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसा आएगा, ठीक है। हमारे एग्जांपल हमने शॉर्ट क्या किया है, ए टू जेड ऑप्शन लिया है, कौन सा ऑप्शन लिया है, ए टू जेड। तो जो वर्कशीट अभी आपको इसके पहले वाले प्रीवियस स्लाइड्स में दिखी थी ना, जो हमने टेबल बना रखी है, जो हमने यहाँ पे टेबल बना रखी है, ठीक है, इसको हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, सी, सी को हमने किस में ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में सेलेक्ट किया है, ए से सी में। तो उसके हिसाब से एल बी जो यहाँ नीचे उसको टॉप पे आना चाहिए, देन बी से कोई हो तो उसके बाद सी। अभी यहाँ पे देखिए क्या ये अरेंज है, नहीं, शॉर्टिंग में अरेंज नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, ओके। तो वो शीट हम अरेंज करने जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा सी, यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग हो गई कि नहीं हो गई, अब यहाँ पे सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया ना, सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, उस कॉलम को सेलेक्ट किया जिसको हमने क्या करना था, शॉर्टिंग करनी थी, शॉर्टिंग मतलब अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, गेटिंग इट। तो एक शॉर्टिंग की हमने, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेलेक्टेड द कॉलम, देन वी गो टू कहाँ पे गए थे, डेटा टैब में, एंड वहाँ पे क्या चेक किया था, शॉर्ट ऑप्शन पे गए थे, ठीक। शॉर्ट ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे दो ऑप्शंस थे, ए टू जेड और जेड टू ए, देन इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू शॉर्ट योर कॉलम और योर डेटा फ्रॉम जेड टू ए और ए टू जेड, सेलेक्ट द डिजायर्ड शॉर्टिंग ऑर्डर एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज फिल्टर्स, फिल्टर्स नाम से पता चलता है जो छानते हैं, मतलब जैसे बहुत सारा डेटा है, अब आपके स्कूल में जैसे बात करें, आपको आपका नाम पता करना है, क्लास पता करना है, तो बहुत सारे लड़के हैं, आप अकेले तो नहीं, अब आपके बारे में अगर डिटेल पता करनी हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वहीं पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर का। फिल्टर क्या करता है, आप डेटा को सर्च करने के लिए कुछ कंडीशंस बता देते हो, फिर उसी कंडीशंस के बेस पे जो जो डेटा बचता है
उसको क्या हो, जैसे मान लो हमको सर्च करना है कैसे लड़के का नाम जिसका वाई से स्टार्ट हो और वो क्लास सेवन्थ में पढ़ता है, हमें नहीं पता कि वो कुछ सेक्शन में है, तो फिल्टर में जाएंगे, वहाँ पे क्लास फील्ड होगा, क्लास में सेलेक्ट करेंगे सेवन्थ और वहाँ पे वाई नेम पे क्या टाइप कर देंगे वाई। तो अब स्कूल में तो क्लास नर्सरी से लेके क्लास ट्वेल्थ तक बच्चे हैं, तो वो फिल्टर कर देगा और फिर डेटा कहाँ कहाँ सर्च करेगा, सिर्फ क्लास सेवन्थ का और ऐसे बच्चों का दिखाएगा जिसका नाम क्या होगा वाई से स्टार्ट होगा। गेटिंग इट? फिल्टर्स कैन बी यूज्ड टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट एंड हाइड पार्ट्स ऑफ इट फ्रॉम योर व्यू। ठीक है, फिल्टर क्या कर सकता है, सिंपली आपके डेटा में बहुत सारे डेटा में वो क्या कर देगा, वर्कशीट में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा आपसे। ठीक है, वाई इट मे साउंड लाइक लिटिल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग की तरह कुछ कुछ लगता है कि हाँ ग्रुप में भी हम कुछ ऐसा करते हैं, बट फिल्टरिंग इज डिफरेंट। फिल्टरिंग क्या होती है, अलग होती है, क्यों, क्योंकि ये आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप क्वालिफाई एंड डिस्प्ले ओनली डेटा दैट इंटरेस्ट यू। ग्रुप में तो ऐसा नहीं होता कि आप ग्रुप में अगर बना लें सबको देखना पड़ता है, उसमें आप अगर देख चाहो कि हाँ एक दो लोग नहीं देखें बाकी सब देखें तो ये पॉसिबल नहीं, पर फिल्टरिंग यही करता है, उसमें क्या करता है वो आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ उन लोगों को देख पाए या उनको देखना चाहें जो आप देखना चाहते हो, सिर्फ उन्हीं को वो आपकी स्क्रीन के सामने रखेगा, वरना वो आपकी स्क्रीन के सामने किसी को नहीं रखेगा। ठीक, एक एग्जांपल के तो समझाते हैं आपको, सपोज आपने फिल्टर लगानी है सर्वे पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, अभी आपने कोई कंपटीशन कराया, सर्वे कराया, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए। ठीक है, अब उनमें आपको देखना है कि उनमें से कितने लोगों की एज 25 से 34 के बीच में है, आपको सिर्फ इनको, उसमें बहुत सारे उसमें 10 के आए होंगे, 12 के आए होंगे, 13 के आए होंगे, 30, 40, 50 इन एज के उसके पार्टिसिपेंट्स आए होंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द डिटेल्स ऑफ पर्सन्स या पार्टिसिपेंट्स हुज एज लाइज बिटवीन 25 एंड 34। 25 और 34 के बीच में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं एज है उनकी, आपको सिर्फ उनको देखना है, तो यहाँ पे फिल्टर का काम आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिल्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ पेंट कलर्स टू व्यू एनीथिंग दैट कंटेन्स द वर्ड ब्लू सच एज, और एक तो ये, दूसरा कंडीशन क्या है, और आप वहाँ पर फिल्टर करोगे तो आप वहाँ देखना चाह रहे इन्वेंट्री किसके हो, पेंट कलर के हो, जो किसी में किस कलर में दिखाई दे, वर्ड ब्लू किस में दिखाई दे, कौन से वर्ड से, ब्लू, जैसे एग्जांपल ब्लू बेल या रॉबिन्स, एक ब्लू मतलब एक सर्वे था उसमें वो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो उनको फिल्टर सिर्फ जो उनके काम के हैं, उनके काम कौन कौन से हैं जिनकी एज 25 से 34 उनको देखना चाह रहे हैं, दूसरा वो इन्वेंट्री ऑफ पेंट कलर्स भी देखना चाह रहे हैं जो कंटेन कर रहा है कौन सा वर्ड, ब्लू, कौन सा वर्ड उनके अंदर, ब्लू, देख लेते हैं। ओके, सी अगर आपको डेटा फिल्टर करना है, जैसे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझ में आएगा, यहाँ पे लैपटॉप्स भी हैं, अदर्स भी चीज़ें हैं, ठीक है, इक्विपमेंट डिटेल है, यहाँ पे आईडी है उनकी और चेकआउट लिस्ट है कि कब कब इनको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको एक वर्कशीट के साथ बिगिन करना है, टू बिगिन विद अ वर्कशीट जो आइडेंटिफाई करती है कॉलम को, किसको आइडेंटिफाई करती है, कॉलम को, किसका यूज़ करके, हेडर रो का यूज़ करके, किसका यूज़ करके, हेडर रो का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट डेटा टैब। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा टैब में, अगेन वहाँ पे एक ऑप्शन होगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप का, कौन सा, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप का, वहीं पे आपको एक कमांड मिलेगा फिल्टर कमांड, कौन सा, फिल्टर कमांड, यू हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर कमांड। ओके, एज सून एज यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फिल्टर कमांड, व्हाट विल यू सी हियर, सी डेटा टैब में गया, यहाँ पे फिल्टर कमांड का ऑप्शन आया, अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हेडर ऑफ ईच कॉलम। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे दूसरी स्लाइड में, जितने भी यहाँ कॉलम थे ना उनके बगल में ड्रॉप डाउन एरो बना होगा, क्या बना होगा, ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो कुछ ऐसा होता है जो आपकी स्क्रीन पर भी बना दे रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसा बना होता है ड्रॉप डाउन एरो, हर स्क्रीन पर बना होगा। ठीक है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो फॉर योर कॉलम टू फिल्टर। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो किस कॉलम को आप फिल्टर करना चाह रहे हैं उसके ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे किसने, यहाँ पे कौन से कॉलम पे फिल्टर किया है, टाइप वाले कॉलम पे, अभी टेबल के थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, सी यहाँ पे ये जो बता रहे थे इसी को ड्रॉप डाउन बॉक्स करना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि किस कॉलम में आप फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके बगल वाले कॉलम में जो आप ड्रॉप डाउन एरो है उसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आईडी का है तो इसका ड्रॉप डाउन ये है, टाइप का ये है, तो हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया है, टाइप का सेलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे टाइप पे क्लिक करेंगे फिल्टर मेन्यू अपीयर्स, वहीं पे क्या हो जाएगा, फिल्टर मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपके सामने, अनचेक्स द बॉक्सेस नेक्स्ट टू डेटा दैट यू डोंट वॉन्ट टू व्यू, और उसी के बाद क्या होगा, वहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे बगल में और आपको उस पर क्लिक करना, अनचेक करना है, मतलब पहले से टिक होंगे, आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देंगे वो टिक हट जाएगा, तो उन टिक को हटा के आप उन जिनको जिनको नहीं देखना चाह रहे उनको आपको क्या करना होगा, अनचेक करना होगा, क्या करना होगा,
अनचेक, राइट, या अनचेक द बॉक्स नेक्स्ट टू सेलेक्ट ऑल, या सेलेक्ट ऑल के बगल में एक ऑप्शन होगा अनचेक।